अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हमारी वीडियो का टॉपिक क्राइम है। इससे रिलेटेड हम डिफरेंट डायमेंशंस कवर करेंगे जो आपसे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो सॉरी, मैं कल लेक्चर अपलोड नहीं कर सकी। मुझे पता है एक मंथ बाद आपके पेपर्स हैं, तो सारे लेक्चर्स मुझे अपलोड करने हैं टाइम से, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं टाइम से अपलोड कल नहीं कर सकी हूँ। और आज मैं थोड़ी बेहतर हुई हूँ, तो मैंने दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड किया है और अब मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ। तो हम हर चीज़ इसके अंदर कवर करेंगे। अगर कहीं थोड़ी बहुत खांसी वगैरह की आवाज़ आ जाए तो उसके लिए पहले से माजरत। तो अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, आपकी क्राइम से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आता है। एक तो पूछा जाता है क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, और एक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक जुवेनाइल क्राइम और क्राइम। ये जो है इस तरह से आपसे पूछा जाता है, चार तरह से। और ये जो चार टॉपिक्स हैं, इन पे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इसलिए हर एक पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। जैसे क्राइम पर ये वीडियो है और इसके अंदर हम हर चीज़, अभी अभी मैंने आपके पास पेपर्स भी देखे हैं, तो वो साथ साथ मैं आपको हर आउटलाइन के साथ बता दूंगी कि ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। फिर उसके बाद एक क्रिमिनोलॉजी पर अलग से वीडियो बनेगी, जुवेनाइल क्राइम पर अलग से बनेगी, और एक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उस पर अलग से बनेगी। फिर हमारा थर्ड पार्ट शुरू होगा, उस पर हम चार से पांच टॉपिक और कवर करेंगे। आप इनफ है, अगर सोशियोलॉजी के लिए इतने सवाल कर लेते हो तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आउटलाइन, ये ऊपर सिर्फ आपको आउटलाइन शो हो रही है, नीचे आपके प्रॉपर नोट्स हैं ये, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आई होप आवाज़ थोड़ी ना हो, लेकिन इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक लॉक होगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई विल शेयर द पासवर्ड, तो आप वो लगाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपके सामने नोट्स खुल के आ जाएंगे। अभी हम आउटलाइन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन ही आपको बताती है कि आपने इस वीडियो के अंदर और इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है और आपको उनका पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन थिंग, हम देखेंगे क्राइम का मीनिंग और डेफिनेशन जो भी है, इसको हम देखेंगे। अब हमें सोसाइटी के अंदर क्राइम को स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम चीज़ लिखेंगे। और ये आप क्राइम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है उसके अंदर आपको ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि आपको क्राइम को पढ़ना, ये पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। असेंशियल और स्टेजेस, हम इसकी सारे असेंशियल्स और स्टेजेस जो हैं इसकी, ये सारे पढ़ेंगे आपके सामने है बिल्कुल, इनको बिल्कुल डिटेल में और इंतहाई इजी वर्डिंग में हम कवर करेंगे। क्लासिफिकेशंस या फिर आप टाइप्स कह सकते हैं, ये सारी टाइप्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। और आपको हर एक टाइप के साथ एक एग्जाम्पल समझाई जाएगी, एग्जाम्पल के थ्रू आपको उस टाइप के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्राइम एज अ सोशल फिनोमिना। अच्छा, क्राइम आपसे पूछा जाता है डिफाइन क्राइम, या फिर आपसे एक सवाल इस तरह से पूछा जाता है डिफाइन क्राइम एंड टाइप्स ऑफ द क्राइम, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाता है क्राइम इज एज अ सोशल फिनोमिना, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल विद द रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी, या फिर आपसे पूछा जाता है कि क्राइम के प्रिवेंशंस क्या हैं आपके नज़र में, आप उसको एक्सप्लेन करो। तो वो फिर सारी आपने इस तरह से लिखनी है, उसकी एक अलग से आउटलाइंस, क्राइम एज अ सोशल फिनोमिना, क्राइम प्रिवेंशन आपकी ये होगी, और एट द एंड हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको क्राइम के बारे में कौन कौन सी इस टॉपिक में चीज़ें कवर होनी चाहिए, आपको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको उसके एसेंशियल्स पता होना चाहिए, आपको टाइप्स का पता होना चाहिए, क्राइम सोशल फिनोमिना किस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, और क्राइम के प्रिवेंशन क्या है ये पता होना चाहिए। और एट द एंड हर पेपर में, हर टॉपिक के अंदर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आप मस्ट ऐड करेंगे और उसको आप ज़रूर लिखेंगे। रटन ही लगाना है, जो चीज़ें ये हैं आप ये इन हेडिंग्स को प्रिपेयर कर सकते हो, इन हेडिंग को याद कर सकते हो, लेकिन अंदर की चीज़ें आपको रटन लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस आपका टॉपिक ठीक होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। अभी हम ओवरव्यू ले चुके हैं वीडियो का, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करने लगे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ है आपके पास क्राइम होता क्या है,
किसी भी सोसाइटी या किसी भी कंट्री के अंदर आप रह रहे हो, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। जब हम उन लॉज को ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं, तो उसको क्राइम के जुमरे में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वहां पर चोरी करना जुर्म है, क्राइम है, तो उसकी एक सजा है। इस तरह से आप जब चोरी कर रहे हो, आप रूल या फिर लॉ की वायलेशन कर रहे हो, तो ये आपका क्राइम में आ रहा है। अब हमें इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये पता होना चाहिए। देखिए, आपको ना क्राइम के पैटर्न्स का हमेशा पता होना चाहिए। आप क्राइम पैटर्न्स क्या होते हैं, आपने डेटा निकाला है, आपने 2016 का डेटा निकाला है, उसमें देखा है क्राइम की रेशियो कौन कौन से मंथ में ज्यादा है। फिर आपने 2017 का निकाला, फिर 2018 का निकाला, आपने ये सारे इयर्स करते करते 2023 तक, 22 तक आपने ये सारा डेटा निकाला है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि कौन से मंथ के अंदर क्राइम की रेशियो बहुत ज्यादा थी, कौन से मंथ के अंदर कम है, कौन से मंथ के अंदर कंट्रोल में है, तो फिर आप उसकी काजेस देखोगे कि ये जो अप्स एंड डाउन्स क्राइम्स के ऊपर आ रहे हैं, व्हाट आर द बेसिक काजेस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रोवोक क्राइम इन पीपल, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं क्राइम्स को प्रोवोक कर रहे हैं। तो अब आप 2023 के अंदर बैठ के आसानी के साथ एक ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जो सारे इफेक्ट्स को, जो सारे फैक्टर्स को काउंट में रखते हुए फिर आपका जो है वो एक पॉलिसी बनेगी, तो वो ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी होगी। इसलिए कहते हैं कि क्राइम को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के अंदर। ये आपकी होगी फर्स्ट आउटलाइन, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन को कवर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी इम्पोर्टेंस को कवर किया। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, एक्टस रिया और मेंस रिया। ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप इंतहाई आसान वर्डिंग में समझेंगे। मेंस रिया रेफर्स टू द इंटेंशन और माइंड सेट ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो प्लानिंग कर रहा है कोई क्राइम करने की, चोरी करना एक क्राइम है, मर्डर करना एक क्राइम है। अब एक बंदा है, वो एक बंदे को प्लान कर रहा है मर्डर करने की। अब उसने जब प्लानिंग की है, तो वो हर चीज देखेगा, वो बंदा किस टाइम क्या काम कर रहा है, किस टाइम घर से बाहर निकल रहा है, किस टाइम घर के अंदर जा रहा है, उसके बाहर आने की क्या टाइमिंग है, कौन से वक्त में वो वॉक करने जाता है, और फिर वो सारी प्लानिंग करता रहेगा, और एक ऐसी सिचुएशन देखेगा जिसमें वो इजीली उसका मर्डर कर सकता है। अब ये सारी चीजें वो परफॉर्म कर रहा है, उसके जहन में चल रही है, ठीक है, ये मेंस रिया है आपका। एक्टस रिया होगा कि अब उसने प्लानिंग सारी कर ली है, उसने एक वीक पॉइंट उसका देख लिया कि वो वॉक करने फलानी फलानी पार्क में जाता है, वहां पे ज्यादा रश नहीं है, वहां पे मैं इसको आसानी से मार सकता हूँ, और वो वहां पर उस पार्क के अंदर गया और उसने वहां पर जाके उसका मर्डर कर दिया। अब एक था, उसने प्लानिंग की अपने माइंड के अंदर, वो था मेंस रिया। दूसरा है, उसने वो एक्शन परफॉर्म कर दिया, वो है आपके पास एक्टस रिया। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब मजीद आप इसकी डिटेल, इसका लिंक जो है वो यहाँ इन दोनों के दरम्यान क्या लिंक है, इसकी क्या अकरेंस की वजह है, इसको आप डिटेल के अंदर यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वर्डिंग में मैंने लिखा है, बहुत ईजी वर्डिंग है, आप आसानी से समझ सकते हो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। देखिए, अगर आप किसी बंदे पर किसी क्राइम का इल्जाम लगाते हो, तो हमारा लीगल सिस्टम ये कहता है कि आपके पास उसके खिलाफ सख्त जो है वो दलाइल होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए, सबूत होनी चाहिए। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी आपको ये इंश्योर कराएगी कि जिसने भी लॉ ब्रेक किया है, उसको कानून के दायरे में रहते हुए सख्त पेनल्टी का फेस करना पड़ेगी। लेकिन जो उसके लिए जरूरी है कि आपने जो सबूत दिए हैं वो वैलिड होने चाहिए, आपने उस पर जो इल्जाम लगाया है वो सच साबित होना चाहिए, फिर जाके सोसाइटी के अंदर एक तो जस्टिस रहेगा और सोसाइटी सेफ रहेगी, और आपको, आपके साथ अगर कोई जुल्म हुआ है, तो उसका आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। ये चीजें थी, आप इसको दोबारा से नोट्स डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन आप बताएं क्राइम सॉरी क्लासिफिकेशन बताएं आप क्राइम की। तो यहाँ पर आप बेसिकली सबसे पहले फिलोनीज एंड मिसडेमेनर्स,
देखो, क्राइम को क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप्स के अंदर, दो कैटेगरीज के अंदर। एक फिलोनिस होती है, एक मेसडिमर्स होती है, मेसडिमेनर्स होती है। फिलोनिस वो होती है कि आपने बहुत सख्त गुनाह किया है। अगर आपने बड़ा क्राइम किया है, बड़ा गुनाह किया है, बड़ा बड़ा जुर्म किया है, तो आपको उसकी सजा भी बड़ी थी मिलेगी, यानी आपको 1 साल से ज्यादा की कैद हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का मर्डर किया है, कोई किडनेपिंग हुई है, तो इस तरह के केस में सजा ज्यादा होती है। दूसरी मेस्टिमेंट होती है कि वो जरा फिलोनीस की निस्बत थोड़े कम सीरियस क्राइम होते हैं, लेकिन थोड़े कम सीरियस क्राइम्स होते हैं, और इसको आप कंपनसेट कर सकते हो किसी फाइन लगा के उस बंदे को, या फिर उसको थोड़ी देर के लिए जेल कर दिया गया। तो ये जो मिसडेमीनर्स होते हैं थोड़े उससे कम, ऑल्दो ये भी क्राइम होता है, लेकिन सीरियसनेस इसकी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की जान नहीं ले ली इसमें, अगर आप जान ले लेते हो तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। वायलेंट क्राइम्स में आ जाता है आपके पास कि आप फोर्स का यूज कर रहे हो, आप फोर्स का यूज करके किसी के साथ गलत कर रहे हो, जुर्म कर रहे हो। जैसे आप रेप ले सकते हैं, मर्डर की एग्जाम्पल भी इसके अंदर आ सकती है कि आप अपनी फोर्स का यूज करते हुए अगले बंदे का बहुत गहरा नुकसान कर दो। डोमेस्टिक वायलेंस भी इसी के अंदर आ जाती है। प्रॉपर्टी क्राइम्स, आप किसी की प्रॉपर्टी को उसकी इजाजत के बगैर आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, तो ये प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है वाइट कॉलर क्राइम्स। इसको बहुत ईजी वर्डिंग में मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक कंपनी है, आप उसके अंदर इंप्लॉय हैं। अब आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं और मनी से रिलेटेड आप मामलात को डील कर रहे हो, आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब कहीं ना कहीं आप मनी से रिलेटेड अपने फाइनेंशियल गेन के लिए कोई झूठ बोल रहे हो, आप वहां से पैसे निकाल रहे हो और आप धोखा दे रहे हो, ठीक है? तो ये जो फाइनेंशियल गेन और ऑफिस और बिजनेस में मोस्टली जो लोग होते हैं फाइनेंशियल गेन के लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, क्राइम परफॉर्म करते हैं, जो कि लीगली आप को नहीं करने दिया जाता, इलीगल होता है, तो वो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है, जो किसी प्रोफेशन के ऊपर बैठे होते हैं या फिर किसी बिजनेस में फाइनेंशियल गेन के लिए। अब ये वायलेंट नहीं होता, मतलब आप इस पे किसी की जान नहीं ले रहे हो, आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो ये जो है ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स इस रिलेटेड होते हैं, और इनका ये मतलब होता है। साइबर क्राइम, इसके अंदर डिजिटल मीडिया आ रहा है, जैसे ऑनलाइन स्कैम है, आपको मैसेजेस आते हैं कि आपका फलानी जो है, जैसे जीतो पाकिस्तान की तरफ से आपको इतने इनाम निकला है और आप इतने हमारे बैंक में इतने पैसे भेजे तो उसके निस्बत आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, तो वो एक स्कैम होता है। आपके जितने अकाउंट में पैसे होते हैं उनका कोड ले लिया जाता है और पैसे वो सारे वो अपने अकाउंट में कर लेते हैं, तो ये साइबर क्राइम है। ड्रग रिलेटेड क्राइम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ड्रग अपने पास रख रहे हो, इलीगली अपने पास रख रहे हो, लोगों के अंदर बांट रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, ये ड्रग रिलेटेड क्राइम्स है। जुविनल क्राइम, 18 साल की एज से छोटे बच्चे जो क्राइम परफॉर्म करते हैं वो जुविनल क्राइम होते हैं, जैसे इन अंडर एज ड्रिंकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन शुरू कर दिया किसी बच्चे ने, अभी 18 साल का भी नहीं हुआ और उसने शराब पे लग गया, वो ये इलीगल है। ट्रेंसी होता है आपके पास कि एक बच्चा स्कूल गया है और उसने अपने घर से वो स्कूल जाने की नीयत से गया है, कि उसने वो स्कूल जा रहा है, पेरेंट्स ने उसको स्कूल भेजा है लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहा, कहीं और इलीगल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल स्कूल नहीं जा रहा, वैसे बंक करके बाहर कहीं बैठ गए, तो वो ट्रेंसी, ये भी इलीगल है, ये भी जुवेनाइल क्राइम है। शॉप लिफ्टिंग है कि दुकान में कोई बच्चा गया और वहां से कोई चीज उठा के ले आया, उसको चोरी कर लिया, तो ये शॉप लिफ्टिंग है। ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, आप ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग करते हो तो फिर वहां पर पूरे ग्रुप्स बने होते हैं, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन पूरी पूरी बनी होती है, और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ये इलीगली पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो ये जो है वो आपके पास ऑर्गेनाइज क्राइम है। हेट क्राइम, आपके पास कौन से क्राइम्स होते हैं कि देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो ना बगैर किसी रिलीजन और रेस की बेस, जेंडर की बेस के ऊपर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कहीं ना कहीं वो रख लेता है, ग्रज रख लेता है, दिल में नफरत करता है, तो फिर नफरत की बेस पर वो उन्हें मारता है, तो ये हेट क्राइम्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट ऑर्गेनाइज है क्राइम एज अ सोशल फिनोमिना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन करें क्राइम कैसे एक सोशल फिनोमिना है, कोई एग्जांपल सोसाइटी से लेके, तो आपको पता होना चाहिए कौन से फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक माशरे में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, तो गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो गुर्बत क्राइम की तरफ सबसे पहला एलिमेंट है जो रोल प्ले करती है। आपको एजुकेशन नहीं है,
लैक ऑफ एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें मिल मिला के क्राइम की तरफ कंट्रीब्यूशन अपना करती है। सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस किस तरह से आता है कि एक सोसाइटी है वो डिफरेंट तबकों के अंदर डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एलीट हर चीज़ इंजॉय कर रहे होते हैं, और जब मिडिल और लोअर क्लास अपनी काबिलियत होने के बावजूद उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं और जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत रास्ता फिर अपना लेते हैं अपनी डेली नीड्स पूरी करने के लिए। ये रोटी कपड़ा मकान भी बाज़ औक़ात लोगों के लिए लेना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उस केस में वो एक गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस इस तरह से आते हैं। कल्चरल आता है, बाज़ औक़ात जेंडर बेस आप देखोगे गैरत के नाम पे बहुत कल्चरल होते हैं, ये कल्चरल होता है। बाज़ औक़ात ये कल्चरल चीज़ें आपके दिमाग में बचपन से बिठा दी जाती हैं, और फिर ये चीज़ें आपको कल को क्राइम करने की तरफ प्रवोक करती हैं। मर्डर करना इतना आसान होता है कुछ माशरों में, हम देखें तो कुछ सोसाइटीज़ के अंदर ये चीज़ें बहुत आम होती हैं। तो फिर वो कल्चरल डिफरेंस है, और वो कल्चरल की बेस के ऊपर आप करते हो। एक पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का डिस्कस हो गया कि वो किस तरह से आपका रोल करती हैं। मीडिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मीडिया किस तरह से रोल प्ले कर रहा है आपका, कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक शो की एग्जांपल ले लें, क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल में अगर आप देखो तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट आपको आइडियाज दिए जाते हैं कि आप परफॉर्म किस तरह से कर सकते हो क्राइम। एक क्रिमिनल है वो कोई और एक्टिविटी के थ्रू कर रहा है, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग का पता चल जाता है। तो बाज़ औक़ात कुछ क्रिमिनल्स इनको यूज करते हुए भी रियल वे में, रियल लाइफ में ये चीजें परफॉर्म करते हैं। तो ये इस तरह से मीडिया और टेक्नोलॉजी आपका इन्फ्लुएंस करता है डेली आपके रियल लाइफ में क्राइम्स को। दूसरी साइड पे आ जाता है कि आप क्राइम प्रिवेंशन, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत आसान वर्डिंग में लिखी गई हैं, इनको आप डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। मैं आपको खाली बता देती हूँ, इफेक्टिव पॉलिसीज। इफेक्टिव पॉलिसीज से आपने एक चीज़ को रिलेट करना है, वो ये कि आपको पता है ना कि क्राइम का पैटर्न मैंने ऊपर बताया है, उसको इधर ज़रूर लिखना है आपने। तो इफेक्टिव पॉलिसीज आप करें और प्रोएक्टिव मेजर्स यूज़ करें, यानी अगर आपने कोई पॉलिसी अप्लाई किया तो उसके ऊपर फौरी एक्शन भी लें। अगर कोई नहीं उसको फॉलो कर रहा तो उसके खिलाफ एक्शन भी लें। कम्युनिटी गाइडलाइन, आप कम्युनिटी रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स करें, आप कोलैबोरेशन करें ताकि अवाम के अंदर अवाम को अपने ट्रस्ट मिले, और फिर उसके बाद आप जो है वो कम्युनिटी को इंगेज करके जो भी इनिशिएटिव ले रहे हो उनको आप बताएं कि ये इनिशिएटिव्स आप ले रहे हो, इनका ये मकसद है, इसके ये फायदे होंगे। जब फिर कम्युनिटी आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आएगी तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने इनिशिएटिव का। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये आपने रीड आउट ज़रूर कर लेना आप नोट्स डाउनलोड करके। तो नोट्स का पासवर्ड जो है वो आपका होगा 2, 3 और 4। ये आप पासवर्ड लगाएंगे तो पीडीएफ फॉर्म में खुल के आपके सामने नोट्स आ जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। आई होप सो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है, अगर आपने ये नोट्स कर लिए और आपने वीडियो देख लिया, समझ लिया, तो आपकी हर क्राइम से रिलेटेड हर डायमेंशन कवर हो गई है। यहाँ से जिस भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वहाँ से वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको कमेंट पे ज़रूर बताऊंगी। अब आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, और मेरे लिए रिवार्ड के तौर पर एक अच्छा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है और वाकई आपको कुछ ना कुछ सीखा है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।